तो आज के इस वीडियो में लाए हैं एक और क्लास 11B का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए। लास्ट तक वीडियो को देखना, ये सारे प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बता देना कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों यहां पर क्लास 11th हिंदी का पेपर है, 2.5 घंटे समय है, 100 नंबर का पेपर है। सबसे पहले हिंदी गद्य और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी या भाग्य और पुरुषार्थ। दोस्तों इसका सॉल्यूशन पूरा हम पीडीएफ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो राहुल संक्रत्यायन जी की है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। अब इसका करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताओ। महावीर स्वामी थे, अज्ञेय थे, प्रेमचंद थे या बालकृष्ण भट्ट थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम कमेंट करके बताओ। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर संपूर्णानंद। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं रामकुमार वर्मा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब काव्य साहित्य से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। खड़ी बोली काव्य का प्रथम महाकाव्य कौन होगा? प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी या रश्मिरथी। नेक्स्ट है हमारे पास रीतिकालीन कवि कौन है? केशवदास, जयशंकर प्रसाद, रत्नाकर या तुलसीदास। तो कौन है? केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो इनकी भाषा, रामचरितमानस की भाषा कैसी? अवधी है। ठीक है, अवधी भाषा में ये रचना आपको मिलती है। खड़ी बोली हिंदी के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इस पैसेज को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। तो आचरण की सभ्यता वाले चैप्टर से सबसे पहले क्या पूछा गया? रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। आचरण की सभ्यता का देश निराला क्यों है? इससे ही आपका आंसर निकल आएगा, ध्यान से पढ़ना। इसके बाद आचरण की सभ्यता संसार के आने का परिणाम होता है। आचरण की सभ्यता में नर नारी किसकी तरह खिलते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से मिल जाएंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्यांश दिया हुआ है, यानी कि कविता का अंश दिया हुआ है। काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोरो निवास, नान तली। तो ये वाला गद्यांश है। इसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं, इसका आपको क्या लिखना है? कविता का शीर्षक और कवि का नाम, मतलब संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश कितना है? ये जो 2 लाइन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, लेकिन पैसेज आप जानते ही, फेमस पैसेज है, फेमस पद्यांश है। इसके बाद कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है? तो नलिनी, यानी कि कमल के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। यहां कबीर ने किन 2 संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए? कबीर जीवात्मा से क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन परिचय, एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। लेखक में आप किसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखेंगे। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिख सकते हो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर सिंह का। कवि में आप किसका जीवन परिचय लिख सकते हो और उनकी कृतियों का उल्लेख करेंगे? कबीरदास, सूरदास या फिर तुलसीदास। इसके बाद लिखा है, आकाशदीप या बलिदान कहानी का उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। तो हिंदी में अनुवाद करना है आपका इस पैसेज में। चैप्टर का नाम लिख देना जिस चैप्टर से लिया गया है, यानी संदर्भ आप लिखेंगे।
भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इति नगरं प्रधान केंद्रम असीत। तो ये प्रयागराज वाला चैप्टर है, इसका आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे। इसके बाद निम्नलिखित श्लोकों में से किसी का एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो इस श्लोक का आपको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृजया रचते रूप कुलम वृत्तेन रचते, इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद वीर रस या करुण रस की परिभाषा उदाहरण लिखेंगे आप। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उदाहरण, दोहा या चौपाई की परिभाषा या उदाहरण आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे तो ये 5, 3 और 4 यानी रस छंद अलंकार इतने नंबर में पूछे गए। सभी सिंपल है, वीर रस और करुण रस रूपक उत्प्रेक्षा ये सब जानते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, अभी से याद करके चलो बोर्ड में भी काम आएगा। इसके बाद 2 ये बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद आप प्रदूषण पर, पर्यावरण प्रदूषण पर अथवा भारत में आतंकवाद की समस्या समाधान पर और विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखेंगे। एक किसी एक टॉपिक पर आप अच्छा सा 6 से 8 पेज का निबंध लिखेंगे। 12 नंबर का ये निबंध पूछा गया है, ठीक है। अच्छा सा बीच बीच में हेडिंग डालते हुए, बीच बीच में कोटेशन देते हुए, आप कविता के अंश या अलग अलग चीजों को लिखते हुए निबंध को पूरा कर सकते हैं। तो ये पेपर था क्लास 11th का। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और भी सारे अलग अलग कोड के पेपर चैनल पर आ चुके हैं, तो उनको भी जाकर आप देख लेना। आपका कोई भी कोड हो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर देख सकते हो। इन्हीं के आधार पर आपके पेपर आते हैं, इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो हाफ ईयरली एग्जाम की। इसके बाद प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा और ईयरली एग्जाम के भी हम पेपर की प्लेलिस्ट लाने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।